बहादुरपुर का बीडीओ और बहादुरपुर का प्रखंड प्रमुख जो है वो दोनों के मिली भगत से 72 लाख 72 लाख रुपए का गबन कर दिया, गबन करके उसको बंदर बांट कर लिया गया है आपस में। एक बार फिर गरमाया 72 लाख के अवैध निकासी का मामला, बीडीओ प्रमुख पर कार्रवाई की मांग। 15वीं वित्त की 72 लाख रुपए की राशि अवैध तरीके से निकासी कर अपने निजी बैंक खाते में रखने व प्रखंड प्रमुख द्वारा खुद के संचालित प्रतिष्ठान के नाम पर वाउचर लगाने के मामले में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के निर्देश के बावजूद कार्रवाई नहीं होने के विरोध में मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इस मामले में बहादुरपुर प्रखंड प्रमुख रूबीराज से बीडीओ अलक निरंजन पर कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बहादुरपुर इकाई द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में आयोजित इस धरना का नेतृत्व एमएसयू के प्रधान सचिव भरत महापात्र और राज पासवान ने किया। धरना को संबोधित करते हुए भरत महापात्र ने कहा कि बहादुरपुर प्रखंड के बीडीओ और प्रमुख की मिलीभगत से 72 लाख रुपए का गबन किया गया है, लेकिन अभी तक दोषी बीडीओ व प्रमुख के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में तकनीकी सहायक को तत्काल निलंबित करने, बीडीओ के खिलाफ प्रपत्र का गठित करने और प्रमुख के खिलाफ पंचायती राज विभाग को पत्र लिखने का निर्देश जारी हुआ है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एमएसयू के विश्वविद्यालय इकाई के कोषाध्यक्ष अभिषेक यादव ने कहा कि आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, यदि सरकारी राशि गबन करने वालों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो जोरदार प्रतिकार किया जाएगा। धरना को चंदू मिश्रा, अजय कुमार मुखिया, भागीरथ मुखिया, नितेश कुमार झा, कुंदन कुमार आदि ने भी संबोधित किया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन बहादुरपुर इकाई आज बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना पे बैठी है। इसका एकमात्र कारण बहादुरपुर का बीडीओ और बहादुरपुर का प्रखंड प्रमुख जो है वो दोनों के मिली भगत से 72 लाख रुपये का गबन कर दिया, गबन करके उसको बंदर बांट कर लिया गया है आपस में। जो जनता के पैसों को जनता के लिए उपयोग नहीं करके अपना वो सब अपना जो मन होता है वो करता है, इसी के खिलाफ में हम लोग आज एक दिवसीय अनशन पे बैठे हुए हैं। जो कि इसी बीच कुछ ही दिन पूर्व दरभंगा समाहरणालय से एक चिट्ठी जारी हुआ था इन लोगों के खिलाफ, जिसमें तकनीकी सहायक को जल्द से जल्द उसको हटाने का उस पर निर्देश था और बीडीओ के खिलाफ प्रपत्र क के माध्यम से कार्रवाई करने का उसमें निर्देश दिया गया था और प्रमुख के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। वो सब अभी तक नहीं हुआ, इन सब पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसी के खिलाफ हम लोग आज एक दिवसीय धरना के माध्यम से इन लोगों को और दरभंगा प्रशासन को भी चेताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द अगर बीडीओ और प्रमुख पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग दरभंगा समाहरणालय के नज़दीक आमरण अनशन पे बैठेंगे, जब तक इन लोगों पे इन भ्रष्ट नेता और अधिकारी के मिली भगत से जो बंदर बांट होती है प्रमुख और बीडीओ के माध्यम से बंदर बांट जो प्रखंड में होती है, ये अगर बंद नहीं हुआ और इस पे कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग आमरण अनशन के माध्यम से उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन सतत रूप से बहादुरपुर प्रखंड की समस्याओं के लिए जनता के समीप जाके, जनता के पास जाके इन लोगों का पर्दाफाश करने का काम करे। नफीसा हज व उमरा टूरिस्ट गुज़िश्ता 13 वर्षों से आज़मीन हज व उमरा खिदमत में सरगर्म, अभी लेकर आया है आप लोगों के लिए खास ऑफर। ग्रुप डिपार्चर 5 से 20 मार्च 2023 दिल्ली से जिद्दा, वापसी 10 अप्रैल 2023 मदीना से दिल्ली, कुल खर्च 1,30,000 रुपए 20 दिन। स्पेशल रमजान ऑफर 6 मार्च से 20 मार्च 2023 दिल्ली से जिद्दा, वापसी 23 अप्रैल 2023 मदीना से दिल्ली, कुल खर्च 1,60,000 रुपए 35 दिनों के लिए। पैकेज इंक्लूजन एयर टिकट, होटल, फूड, राउंड ट्रिप ट्रांसपोर्टेशन बाय बस, जियारत, जमसम, लॉन्ड्री। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड पासपोर्ट, फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज, पैन कार्ड। एड्रेस बाजार समिति सिवधारा दरभंगा 846004। हाजी अबुल कलाम मोबाइल नंबर 9835686530 9939797586।